सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, और मुझे खुशी है इस बात की कि आज और धर्मों के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आज इस ईद के मौके पर मैं अपने सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहाँ ईद खुशी लेकर के आई है, हमारे भारत की, देश की ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, जब हम त्योहार मनाते हैं, चाहे ईद मनाए, चाहे दिवाली मनाए, चाहे हम नया साल मनाए, क्रिसमस मनाए, कहीं ना कहीं हम सब मिलकर के इन त्योहारों को मनाते हैं। हर त्योहार पे हमारे देश के सभी रहने वाले लोग खुश होते हैं, हमारे देश के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, इन त्योहारों पर गले मिलने का काम करते हैं। ये हमारे भारत की धरती, जहां से नदियां बनी है पवित्र, जो आया उसको अपना लिया, जो आया उसको गले लगा लिया, और यही हमारी ताकत है कि हम एक सब मिलकर के भाई और भाई की तरह रहते हैं। यही हमारे देश की ताकत है, यही हमारे संस्कृति की ताकत है। मैं समझता हूँ ईद के दिन इस बात का संकल्प लें कि अभी बहुत आगे जाना है, गरीबी है, बहुत चीजें हैं ऐसी जिनके लिए हम सबको मिलकर के उन तमाम चीजों का मुकाबला करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को एक बार फिर ईद की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। यही भाईचारा हमारा बना रहे या भाईचारा होगा, हमारा देश भी बहुत खुशहाल होकर के विरासत में जाएगा। इन्हीं शब्दों के बहुत धन्यवाद।